सो गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसा सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, हाँ, और गोपाल अभी हमारे आ गए हैं यहाँ पे। सो अभी यहाँ से निकलते हैं रामनगर के लिए, बाकी रामनगर का सफर दिखाते हैं। ठंड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, मैंने स्वेटर भी अपने निकाल लिए, अगर आपके यहाँ भी ठंड हो रहा है तो स्वेटर निकाल सकते हैं। फाइनली एंट्री कर ली हमने रामनगर। तो सावले भाई के घर पे जाने के बाद भाई चाय पीने के बाद सुकून मिला, थोड़ा ठंड से राहत मिली है। अब यहाँ से सीधे रामनगर के लिए निकलते हैं और रामनगर में काम है, भाई को मोबाइल वाले लेना है, उसके बाद फिर आगे सफर। और सर रामनगर पहुँचते ही कुछ भाई लोग मिले इधर, और ये ब्रोक का नाम पत्थर में चैनल का नाम। हाँ भाई क्या कह रहे थे? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे? कौन सा ब्लॉग बनाते हो? नाम से यार, कॉर्बन सत्य ब्लॉग से। आपका नाम? हम आ रहे होंगे अभी। आपका नाम? यस ठीक है, आपकी वीडियो आएगी इसमें, ठीक है। कल सुबह पहले से कर रखा है? पहले से कर रखा है? हाँ पार्क में भी आए थे। हाँ अच्छा, बढ़िया बढ़िया। मतलब दो चार सब्सक्राइबर घूम रहे हैं मेरे भी रामनगर में ना। अभी आजकल दीपावली की तैयारी, पूरा मार्केट सजा हुआ है, चारों तरफ लड़िया लड़िया लगी हुई है और बहुत सुंदर मार्केट लग रहा है। चारों तरफ की गलियों में फूल हैं, मालाएं हैं, तरह तरह के सामान दिख रहे हैं। पहुंच चुके हैं भाई शॉप में, भाई को मोबाइल दिखाने के लिए। फाइनली भाई ने फोन भी ले लिया है। अब यहाँ से निकलेंगे सीधे लखनपुर सिंगी को। हैं? दुकान तो देखी रहे। तो नमस्कार, लगा रखी क्या आशु भाई? हेलो लगी, तू कब से आए इधर? नमस्कार, ठीक है, चल बढ़िया। अरे तू बाहर करी थी लो, चलो मैं खुल्लू भाई, स्पीड है रे। ना चला दूंगा। अभी हम निकल चुके हैं रामनगर से पाथली की ओर, और अभी जंगल का पूरा सफर होने वाला है भाई। रामनगर की चकाचौंध तो क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आज है। तो यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट होता है जंगल का, और बीच जिम कॉर्बेट के बीच जंगलों से होकर हमें गुजरना है। बाकी सामान से सुबह में ऐसे लाद रखा है कि पूछो मत जी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। सुबह कह रहा मैं बिल्कुल कोने पे बैठा हूँ, अगर एक झटका छोटा सा भी आएगा तो मैं गिर जाऊँगा, तो सेफली चलाना। तो भाई इतना सामान लेना जरूरी थोड़ी था, मैंने थोड़ी बोला तेरे को इतना सामान ले। अब पीछे से बोला भाई आराम से चलाना, मैं गिर जाऊँगा। पहुँच चुके हैं टेढ़ा गांव, यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर, जो राइट हैंड में जो रोड गई है पूरे गांव की ओर जाती है, और नीचे वाली जो जाती है अपने फाटकोट को जाती है जिम कॉर्बेट से होते हुए। तो अभी मुझे नहीं पता रोड आप क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने डायल पे देखा भी नहीं कि कितनी वीडियो इसमें आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, और ऐसे अंदाजे से लगा रखा भी कैमरा। सो अभी जब वीडियो एडिट करूँगा तभी पता लगेगा, उससे पहले क्या ही पता लगेगा। कैमरा इसका बहुत ख़राब हो रहा था, सो अभी वो भी सही कर लिया। और इसकी एक लाइट ना तिरछी हो गई थी भाई, सुबह उसमें लाया ना इसको टेम्पो में डाल के, क्योंकि जंगल के बीच में ख़राब हो गई थी, इसकी चैन उतर गई थी, तो कोई हमारे पास सेकंड ऑप्शन था नहीं, तो किसी पिकअप वाले को बुला के उसमें रामनगर से लाया था। कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी तय गई थी। बाकी यार मेरे को अभी भी कैमरा कोई रिफ्लेक्शन इतना पता लग नहीं रहा कि
कैमरा सही सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले वाला बहुत गंदा हुआ था भाई, नीचे नीचे हो गया था पूरा, तो अभी का पता नहीं यार, अभी ट्राई करना पड़ेगा इसको। ट्राई एक तो ये वहीं घर जाके जब एडिटिंग करूँगा तभी लगेगा, मेरे हिसाब से शायद ठीक होगा। अभी निकल चुके हैं हम जेम फॉरवेट के इन खूबसूरत से जंगलों के बीच में। और भाई इधर खतरा बहुत ज़्यादा है भैया, इधर टाइगर लेपर्ड का खतरा रात में बना रहता है और हाथी का भी कोई भरोसा नहीं रहता। बाकी पीछे से एक डर ये भी बना हुआ है कि कहीं शुभम भाई गिर ना जाएं, तो थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सोचता था ठीक ठाक गाड़ी खींचूंगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बाकी इतनी कोई डर अभी है नहीं क्योंकि गाड़ी भी, गाड़ी की आवाजाही लगी हुई है, गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही है, मेरे पीछे भी गाड़ी आ रही है और आगे से बाइक वाले भैया आ रहे हैं, तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम से तो है नहीं। बाकी यार कैमरे का थोड़ा मेरे को अंदाजा अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैं फर्स्ट राइड कर रहा हूँ इससे और फर्स्ट तरीके से फर्स्ट बार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे, सो मुझे इतना पता नहीं लग पा रहा है कि वीडियो सही बननी है कि नहीं बननी है। मेरे मन में बार बार यही डाउट चल रहा है कि वीडियो सही बननी होगी कि नहीं बननी होगी। खैर छोड़िए, इस चीज़ को भी इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि जिम कॉर्बेट के जंगल हैं और बाघ शेर का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ ग्रासलैंड पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी मिलने के चांसेस रहते हैं और सबसे आगे मैं ही चल रहा हूँ भाई। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए और जिम कॉर्बेट का सुंदर सा सफ़र आपको दिखाते हैं नाइट का। और तो क्या बोल दोस्तों, बाकी कुछ अगर लेपर्ड वेपर्ड की सेटिंग होगी तो ही दिखा पाऊँगा। ऐसे घनघोर जंगलों के बीच में रात में बाइक से जाने में काफ़ी डर भी लगता है दोस्तों, क्योंकि जिम कॉर्बेट के जंगल हैं और इन जंगलों में रात में राइडिंग करना कोई आसान नहीं है। बाकी यहाँ से स्टार्ट होता है काले जंगल का एरिया, जहाँ से मेरे को बहुत डर लगता है। जब मैं पहले भी अकेला आता था तो मेरे को यहाँ पर बहुत डर लगता था और दिन में भी यहाँ पर डर लगता है भाई, क्योंकि यहाँ पर उजाला कुछ नहीं आता, धूप इसके अंदर आती नहीं भाई जंगल के अंदर। ये थोड़ा सा एरिया इतना है, पूरा इसके अंदर अंधेरा अंधेरा सा ही रहता है। मेरी बाइक का चैन उतर गया था जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने उसी चक्कर से ना मैंने उसको बोला भाई कितने नंबर की चाबी लगती है, इसमें मैंने उससे चाबी भी लेके आ रखा हूँ कि ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, जहाँ पर कुछ ऐसा हो तो मैं उसको खोल के सही कर पाऊँ, क्योंकि इन जंगलों के बीच में ना तो नेटवर्क आते हैं और ना ही कुछ मोबाइल कोई भी काम करता है, कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। और समय की अगर बात करें तो 9 बजे के बाद तो इस रोड पर इंसान दिखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी इस रोड पर नहीं चलता है, हर कोई अपने घरों में पहुँच गया होता है उस टाइम पर। चलिए जी अन्नदा के वहाँ से टेस्टी मोमोज भी खा लिए हैं और हम निकलते हैं सीधे गांव के लिए। अभी यहाँ से मेरे गांव का सफ़र बचा है कुछ 6 किलोमीटर के आसपास, अभी मैं पहुँचा हूँ भलौन गांव में। क्या होप करता हूँ यार इस रोड में ना आज लेफ्ट दिखेगा, क्योंकि तो एक बार दिखता है, दो तीन तीन चार बार मैंने खुद देख लिया है इस रोड में शाम के टाइम पर, और इसी टाइम पर जाते समय 6 से 7 बजे के आसपास। और अगर अभी समय की बात करें तो अभी समय हो चुका है 7:04, बिल्कुल फिक्स टाइम अभी हुआ है। बैड लगी बोलूँगा मैं इसको यार, सारा जब कैमरा ऑन हो तब लेपर्ड नहीं दिखता और जब लेपर्ड दिखता है तब कैमरा ऑन नहीं होता है। बाकी मैं पहुँच चुका हूँ सिमली गाँव में और यहाँ से मेरे गाँव की दूरी है 2 किलोमीटर, जो कि ठीक सामने नज़र आ रहा है। पहुँच चुका हूँ दोस्तों अपने गांव पाथली गांव में, और अभी ना सारी दुकानें बंद हो चुकी है, एक दो आदमी चाहिए एक ऊपर है, दोनों दुकानें अभी बंद हैं दोस्तों। सोम भाई को भी अलविदा यहाँ से कर दिया है भाई। फाइनली पहुँच चुका हूँ घर में और ये हमारे घर के लक्ष्मी, जिसने माँ कालिका का अवतार भी लिया हुआ है और बाकी अपने भाई लोग सब फोटो में एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। माँ लक्ष्मी से विनती करूंगा एक बार इधर को दर्शन करा देना। बाकी सुंदर से दिए जला दिए यहाँ पर भाई थाली में, और ये कलाकारी दिखा रही है अपने दीपू भाई ने। अरे अथवानी फेंक करूं हाय, बड़े जोर के पड़ाव की बड़बड़ हो रही भाई। अबे ये सही करो खुद डर। ओ मम्मी बीते 1 रुपये दोहर का नहीं सुन ली तू।
ये ज्यादा तेज वाल छी की पांडे भाई सब पटाखे फोड़े बाहर और एक ये है डरपोक एक अम्मा और एक मम्मी भाई तीनों डरपोक हैं और चौथा मैं सामने इनके साथ। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मेरे सर में भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा भाई, बोला भी नहीं जा रहा है। और बाकी मिलते हैं आपको कल सुबह, अभी सो जाते हैं। तो चलिए बाय बाय, टाटा।